चैनल फूडी स्टार्ट। गाइस आज हम आपके सामने आ चुके हैं पुरानी दिल्ली, और यहाँ पर ना एक बहुत ही स्पेशल दुकान है जो हमने कवर नहीं करी थी, और आपके काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई अशोक चाट भंडार की वीडियो बनाओ। भीड़ आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं, और 60-70 साल ये पुरानी दुकान है, फोर्थ जनरेशन यहाँ पे चला रही है। आइए यहाँ के स्पेशल आइटम्स ट्राई करते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं इनके पास बड़े बड़े ब्लॉगर्स के, आइए देखते हैं कि क्या वो सटीक है, सही है या नहीं है। और गाइस ये मेन्यू आपके सामने आप देख सकते हैं, 60 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे एक वो पकौड़े भर के गोलगप्पे हैं 6 पीस 100 रुपये के, बाकी रेट मुझे ठीक लग रहे हैं, जैसे कि पुरानी दिल्ली के रेट्स होते हैं हमें 50-60 रुपये के मिलते हैं गाइस। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये शॉप है जिसके अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, शायद पुरानी दिल्ली में चाट की दुकान पे इतने सारे आइटम्स आपको और कहीं और ना मिले। कुछ यूनिक आइटम है जो आपको सिर्फ चांदनी चौक में मिलने वाले हैं, जैसे कलमी वड़ा हो गया, मसाला आलू। सर ये मेरे ख्याल से चांदनी चौक के कारीगरों के अलावा कोई नहीं बना सकता है ना, ये सब हम अपने ही गोदाम में बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं। मसाले भी आपने कहा कि घर पे ही? हाँ सब घर के ही हैं ये। अच्छा, कोई प्रॉब्लम वाली, क्योंकि हम 4-5 भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो सबको ये काम आता है तो सब अपने घर में ही करते हैं। हाँ जी। और सर ये शॉप को कितना टाइम हो गया? ये वैसे तो इसे हो गया 75-1 साल से भी ज़्यादा। 75 साल से ज़्यादा? आज़ादी से पहले की है ये दुकान। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। तो इतना हम काम बदलते रहे, कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, डिफरेंट काम, दादा ने काम कर लिया, कोई उनके बच्चों ने कुछ काम कर लिया, फिर हमारे बड़े भाई साहब थे अशोक जी, उन्होंने फिर ये काम चालू करा। इसको कम से कम 50-1 साल हो गए। 50 साल हो गए सिर्फ इस काम को। ठीक है। तो गाइस ये है यहाँ की क्रीमी से दही, तो ये सब खुद ही प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे? ये खुद ही जमाते हैं और खुद ही इसे रात भर लटकाया जाता है। अच्छा। जैसे 2 कनस्तर दूध उबाला हमने, तो फिर ये 1.5 उसमें से आधा रह जाता है। अच्छा। इतना सा बचता है, सारी रात लटका रहता है ये, इसका पानी निकलता रहता है, सुबह फिर इसको छानते हैं हम। क्या बात है सर, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ठीक है। स्पेशल चटनी जिसकी आप तारीफ सबसे ज़्यादा कर रहे थे अभी, इसमें बताइए कब क्या क्या आपने बताया था अभी? इसके अंदर बाबू जी काली मिर्चे, काला नमक, अच्छा, जीरा, इलायची दाना जी, अनार दाना, अच्छा, काली मिर्चे, लाल मिर्चे, ये सब सामान डाला जाता है सर। और अगर इसे आप 1 साल तक फ्रिज में रखोगे और चम्मच से निकालोगे तो ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा, सही है यार, क्योंकि गोलगप्पे का पानी भाई बढ़िया लग रहा है, ठंडा लग रहा है। पुदीने का पानी है? पुदीना और धनिया पुदीना का पानी। अच्छा ठीक है। तो भाई ये धनिया का पानी आप देख सकते हैं, क्या क्या है मसाले में ये बताओ जी उस्ताद। ये आपने क्या स्टफिंग डाली अंदर? चने की दाल है, पनीर है, काजू है, किशमिश है, गाजर, वो अदरक है, हरा धनिया, हरी मिर्च है। अच्छा। इसको काली मिर्च, इलायची दाना, पीली मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, इस सब चीज़ों से मिलके फिर ये तैयार होता है। बाकी ये क्या आलू है? जी, आलू जिसके इसमें अरारोट मिलाया जाता है। अरारोट मिलाया जाता है, फिर इसके गुल्ले काट के ऐसे भरे जाते हैं। ठीक है। तो स्टफिंग की बात करें भाई, काजू वाजू सब इसमें ऐड कर रखे हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये नहीं कि आपको आने से ही कभी अभी डाले हैं मैंने। हाँ जी, आप खड़े हुए थे उससे पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है। सबको ऐसे ही मिलेगा जैसे हमें मिलने वाला है। ये स्टफिंग होगा इसकी, ये बंद हो गया, अब इसको घी में फ्राई कर देंगे। ठीक है। देसी घी में बनाते हैं। हाँ, डीप फ्राई लगा रखा है यहाँ पे, तो कोई कढ़ाई वगैरह नहीं है? नहीं, डीप फ्राई में चलते। आपने नया सिस्टम बना दिया, चांदनी चौक अब चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? ठीक है। तो गाइस अपने गोलगप्पे लेते हैं, पहले शुरुआत करेंगे गोलगप्पे से, सिर्फ सूजी के मिलने वाले हैं यहाँ पे। गाइस जो चांदनी चौक के मसाले हैं ना, थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसी लगते हैं, तो मिर्च आपको जरूर लगने वाली, स्पेशल मसाले तो होने वाले हैं। तो चलिए गाइस अपने बाकी आइटम्स लेते हैं। सर एक हमारे लाल आलू लगाई है, पर लाल आलू लेते हैं, ये बॉइल्ड आलू हैं, उसके ऊपर आपने लाल मिर्च लगा दिया। लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च है, जीरा है। अच्छा ठीक है। एक प्लेट में एक आलू आता है? हाँ जी। ठीक है। ये आगे चने, नमक, मसाले, फिर आगे दही। कचालू और यहाँ की स्पेशल लाल चटनी, जिसकी तारीफ यहाँ के भाई हर एक वर्कर कर रहे हैं कि ऐसी लाल चटनी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। ये हरी चटनी धनिया पुदीना वाली। चलिए भाई लाल आलू ट्राई करते हैं। तो
यार मैंने पिछली बार ट्राई करा था ना तो मुझे ओवर स्पाइसी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा स्पाइसी है, बट इस बार मैं बात करूँ ना इनकी शॉप की, सही लग रहा है, जैसा होना चाहिए, हल्का सा स्पाइसी, एक और मतलब बढ़िया लग रहा है। पिछली बार मुझे इतना पसंद नहीं आया था ये डिश ना, जो मैंने आपको बताया भी था, बट यहाँ मुझे सही लग रही है। तो भाई यहाँ पे हमारे दही भल्ला पापड़ी चाट लगेंगे, सर ने चार पापड़ी लगाई है दही में और दो भल्ले लगा दिए। आ गई पापड़ी, फिर आ गया आलू, चने, मसाले और नमक, और ऊपर से क्रीमी वाली दही, कचालू, लाल चटनी। तो चलिए भाई दही भल्ला स्टार्ट करते खाना। और मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ना अलग अलग लग रही है, ऐसे नहीं कि पूरा मिक्स कर दिया हो, मतलब पापड़ी अलग है, भल्ला अलग है, तो मिक्स नहीं हो गया, क्रश करके पूरा मिक्स नहीं करा है। किसी को वो चीज़ सही लगती है, मुझे थोड़ा अलग अलग ही सही लगता है कि जब मुझे पापड़ी का पीस लेना हो तो मैं अलग से ले पाऊँ। भल्ला उठाते पहले, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब लिटरली एक मलाई की तरह लगने वाला, आपको काफ़ी सॉफ्ट भल्ला यार। मज़ा आ रहा है खाने में सच में। मैं तो कहूँगा कि अगर आप सिर्फ भल्ला चाट भी लेते हैं ना, पापड़ी ना डलवाएं, तो भी आपको बढ़िया लगने वाली है। एक बढ़िया दही भल्ला पापड़ी चाट चांदनी चौक के हमने खाई हो ना, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। नॉर्मल लग रही है पर अच्छी लग रही है, क्योंकि ज़्यादा ओवर स्पाइसी नहीं है, जो कि पुरानी दिल्ली में हो जाते हैं, थोड़े स्पाइसी ऊपर हो जाते हैं। और अब बनने वाला अपना कलमी वड़ा, एक प्लेट में चार पीस आते हैं, ठीक है। ओके और गाइस साइड में दिल्ली फूड बॉक्स का एक सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट प्लेस फॉर कलमी वड़ा, दैट्स व्हाई हमने कलमी वड़ा यहाँ का ट्राई कर रहे हैं। आलू, चने, मसाले, नमक, दही, अरे कचालू, लकड़ी की चम्मच जो है यूज़ होती है यहाँ पे, लाल चटनी, और ग्रीन चटनी। चलिए कलमी वड़ा पे आते हैं, जो कि सबसे स्पेशल आइटम कही गई है इस शॉप की। और ये सर सुपर क्रिस्पी, आपको लिटरली जब आप चबाएंगे ना तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अशोक चाट भंडार की एक चीज़ मुझे बहुत स्पेशल लग रही है, यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लिटरली कोई भी ट्राई कर सकता है, ओवर स्पाइसी नहीं है, अच्छे लग रहे काफ़ी ज़्यादा। तो भाई टिक्की हमारी हो चुकी है रेडी, बिल्कुल क्रिस्पी सी, और ये तोड़ दिया सर ने गर्मा गर्म, पूरी स्टफिंग दिखती है यहाँ पर। फिर आगे मसाले, हरी चटनी, लाल ये दही, ठीक है। फिर आगे लाल चटनी, बढ़िया। ये लाल चटनी का टेस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डोमिनेट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो प्रोवाइड कर रहा है। पीली गाजर,
ठीक है, गाजर और ये लच्छा आपने डाल दिया, चुकंदर का पनीर, बढ़िया, रेडी है, सही है। तो भाई अभी तक की सबसे टेम्पटिंग चीज़ हमारे सामने आ चुकी है, टिक्की। प्रेजेंटेशन मुझे इसकी सबसे बढ़िया लगी है, देखिए आप। और मैं चम्मच से नहीं खाने वाला, ये मुझे लग रहा है कि मैं इसको हाथ से भी अच्छी तरह खा सकता हूँ, बस गर्मा गर्म है। भाई गर्मा गर्म टिक्की यार, गाइस बहुत क्रिस्पी है। और यार सारे फ्लेवर सबको फील होने वाले हैं, चाट में हम एक फ्लेवर को नहीं कह सकते, लेकिन डोमिनेट जो कर रहे हैं वो है कि मसाले हैं जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लाल चटनी में गाइस मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अगर मिसिंग हो ना यहाँ पर लाल चटनी तो शायद वो फ्लेवर पूरा नहीं हो पाएगा, बट अलग से उसका स्वाद इतना नहीं आ रहा है। सो गाइस टेस्ट अच्छा है और मैं कहूँगा कि मसाले जो है नॉर्मल है, एक बच्चा भी आराम से खा सकता है, ओवर स्पाइसी नहीं है। लेकिन जिनकी लाल चटनी है ना वो अलग है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसको भी अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको मिर्च लग रही है आप लाल चटनी लेके वो मिर्च बुझा सकते हैं, ऐसा नहीं है। काले मिर्च का फ्लेवर उसमें आपको पूरा आने वाला है, तो तीखी आपको लाल चटनी भी लगने वाली है। तो अच्छे आइटम्स हैं, लेकिन मेरी शिकायत है थोड़ी हाइजीन को लेकर, जो कि पूरे पुरानी दिल्ली से है, जो कि आप सब कहते हैं थोड़ा अगर ग्लव्स वगैरह यूज़ हो, जो ओपन में सामान है, थोड़ी मक्खियाँ बैठ रही हैं वो थोड़ा हट सके। बाकी मेंटेन्ड है शॉप, अपनी जगह पे है, पैकिंग भी आप अवेलेबल आराम से करवा सकते हैं यहाँ पे, तो कभी ट्राई कर सकते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक है, 7 डेज ओपन है। बिल्कुल गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन से आप निकलेंगे, सामने आपको बैठ दिया। तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कैसे आपको वीडियो लगते हैं गाइस, और वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।